एवञ्च शुद्धं न दृश्यं न मिथ्या इत्यस्यापि अशुद्धत्वं दृश्यत्वमिथ्यात्वयोर्व्यापकमित्येतत्परत्वेन शुद्धे दृश्यत्वमिथ्यात्वयोर्व्यतिरेकः पर्यवस्यति। इस तरह से कोई वाक्य प्रयोग करे, शुद्धं न लक्ष्यं न दृश्यं न मिथ्या, ऐसे किसने वाक्य प्रयोग किया, शुद्धं न दृश्यं न मिथ्या, एतादृश ज्ञान का विषय शुद्ध ब्रह्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बन गया फिर तो भी मिथ्या हो जाएगा। तो कहते नहीं, इस वाक्य का भी अर्थ विपरीत लेना ही पड़ेगा। क्या लेना है इस वाक्य का अर्थ, वो समझा रहे हैं। इस वाक्य का अर्थ यही लेना पड़ेगा, इत्यस्यापि अशुद्धत्व दृश्यत्व मिथ्यात्योर व्यापक इति, यत्र यत्र दृश्यत्व तर तत्र अशुद्धत्व, यत्र यत्र मिथ्यात्व तर तत्र अशुद्धत्व, ये इस वाक्य का अर्थ है। शुद्ध दृश्य नहीं है, मिथ्या नहीं है, का मतलब है कि जो दृश्य है वह अशुद्ध होता है, जो मिथ्या है वह अशुद्ध होता है, ये इसका वाक्य का अर्थ तात्पर्य है। दृश्यत मिथ्या तिर्व्यापक मित्येत परत्व, इस तरफ ही आपको शुद्धे दृश्यत मिथ्यात्योर व्यतिरेक पर्यवसति, शुद्ध ब्रह्म में दृश्यत और मिथ्यात्व का व्यतिरेक का ही पर्यवसान हो जाता है। इसे पर्यवसित होना, देखो उपलक्षित शब्द इसलिए नहीं प्रयोग कर रहे अभी, न विशिष्ट है न उपहित है न उपलक्षित है, किंतु पर्यवसित है, माने शब्दों का तात्पर्य इसी में समाहित हो जाता है। आप ये नहीं कहेंगे इसलिए इन शब्दों से ये लक्षित है, इन शब्दों से उपलक्षित है, इन शब्दों से विशिष्ट है, इन शब्दों से उपहित पदार्थ का बोध हो रहा है, सब खत्म कर दिया। ये सारे शब्द अपने अपने अर्थ को लेकर के अंततः इसी में ही समाहित हो जाते हैं, पर्यवसित हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, बोध कराते हैं। अतः शब्द बोध्यत्व नहीं रह गया ब्रह्म में, इनका कहना है। ये तेना, इसी से इन्होंने क्या किया, एक तरह से बौद्धों का विखंडन कर दिया, क्योंकि आपने कहा यत्र यत्र दृश्यत्वम माने परत स्फुरणम तर तत्र अशुद्धत्व मैंने मिथ्यात्म, जहाँ जहाँ दृश्यत्व रहेगा वहाँ वहाँ मिथ्यात्व रहेगा, तब ने इदम विश्वम मिथ्या दृश्यत्वात् का मतलब क्या, यत्र यत्र दृश्यम तर तर मिथ्यात्म, दृश्य का वास्तविक अर्थ क्या है, परत स्फुरण होना, यह अर्थ होगा। और आत्मा कैसे है, स्वप्रकाश स्वतः स्फुरण है, इसलिए आपने कहा यत्र यत्र परतस्फुरणत्वम तर तर मिथ्यात्वम, यह आपका कहने का अभिप्राय है। कत पूर्व पक्षी कहता है शून्यवादी, इतना आप क्यों कर रहे हो, लाघव क्या है, स्फुरणत्वेन स्फुरण को ही मान लो लाघव है, परतस्फुरण की अपेक्षा ऐसा क्यों स्फुरण कहना, जो जो स्फुरित हो रहा है वह वह मिथ्या है, ऐसे कह दो, ये तो स्फुरण रूप तो ब्रह्म विस्फुरण है, प्रकाश रूप है, उसे दोष आएगा। यत्र यत्र स्फुरणम तत्र मिथ्यात्म कहोगे तो ब्रह्म में व्यभिचार हो जाता है, और रूप से कहने लाघव है, हेतु क्या दे रहा है, स्फुरणत्वावच्छिन्न स्फुरण को लाघव, और परत स्फुरण कहोगे ये विशिष्टता आ गई, परतत्व विशिष्ट हो गया तो गौरव हो जाएगा, ये उसका कहना है। देखो स्फुरण मात्र में मिथ्यात्व तंत्र लाघवात्, स्फुरण मात्र को मिथ्यात्म तंत्र प्रधानता माननी चाहिए लाघव होने से, तब अतः स्वतः स्फुरणत्व भी ब्रह्म मिथ्यैव, स्वतः स्फुरण रूप में भी स्फुरणत्व रहा अतः वो मिथ्या हो जाएगा ब्रह्म भी। इति शून्यवादी मतम अपि अपास्तम, शून्यवादी का जो मत था वह भी खंडित हो जाता है, क्यों, क्यों कारण क्या है, कहते स्वतः स्फुरण रूपता यहाँ शुक्ति रूप्या दो अभावात्, सबसे पहला है तो है जो दृष्टांत दिया जाता सभी का द्वारा मिथ्यात्व के प्रति शुक्ति रूप्यता में स्वतः स्फुरणत्व नहीं है, परतस्फुरण है वो भी, यदि स्वतः स्फुरण रूपता यहाँ शुक्ति रूप्या दो अभावात्, स्फुरण विषयत्व से ब्रह्मणि असिद्ध है, और स्फुरण का विषयत्व भी स्फुरण रूप है ना, ब्रह्म क्या है स्फुरणात्मक ही है, स्फुरण का विषय नहीं है, स्फुरण विषयत्व भी ब्रह्म में तुम्हारा घट नहीं सकता, इसलिए इसलिए यत्र स्फुरणत्व तर तर मिथ्यात्व यह तुम्हारा मत ठीक नहीं है।
यत्र यत्र स्मरण सामान्यत्वम तर तत्र मिथ्यात्व में नहीं बन सकता, कि स्मरण सामान्य ब्रह्म में है किंतु अदृश्यत्व भावना से मिथ्यात्व नहीं है। से तुम्हारे अनुसार यदि हम व्याप्ति लेके चलते हैं वो व्यभिचारी हो जाता है और दृष्टांत पे खुद ही व्याप्ति सिद्ध नहीं होगा, हेतु घटेगा नहीं, है ना। स्मरणत्व नाम का चीज में आप क्या लेंगे, उसमें शुक्ति रजत में स्मरण हो रहा है और आपने उसको परतस्मरण नहीं कहोगे, शब्द पर विशेषण नहीं दिया, हम उसको स्वतः स्मरण लेंगे और स्वतः स्मरणत्व उसमें घटता नहीं है। रजत जो है स्वतः स्मरण नहीं है, परतस्मरण हो रहा, हमारे इंद्रियों की तरफ प्रत्यक्ष हो रहा है। इसे दृष्टांत भी तुम्हारा भंग होगा और वे विचार भी हो जाए स्मरणत्व सामने लेंगे तो, इसे विशिष्ट को ही लेकर व्याप्ति बनाना पड़ेगा। यत्र यत्र परतस्मरणत्व तत्र मिथ्यात्वम, विशिष्ट व्याप्ति ही उचित है, सामान्य व्याप्ति उचित नहीं है। ननु तब पूर्व पक्ष कहते थे विशिष्ट लोग हैं, फिर फंसोगे आप, क्यों? विशिष्ट ज्ञान में क्या है, विशेषण ज्ञान अति आवश्यक है और विशिष्ट ज्ञान भी आवश्यक है कि नहीं? क्योंकि जो नियम है कोई भी वाक्य ज्ञान होता है और विशेषण विशेष जो भी है प्रत्येक पदार्थ ज्ञान होना जरूरी है, तो विशिष्टार्थ का बोध होगा। ये इसका कहना है ननो विशिष्ट ज्ञान विशेषस्यापि भानि, विशिष्ट ज्ञान में क्या होगा, विशेष का भी भान हो जाता है। श्रुत्या विशिष्टस्य दृश्यत्वेरेव विशेषस्यापि दृश्यत्वा, इसे श्रुति के द्वारा जिस विशिष्ट का बोध कराया जा रहा है वह विशिष्ट यदि दृश्य है तो विशेष भी दृष्ट हो जाएगा, वह भी दृश्य कोटि में आ गया, अर्थात तुम्हारा ब्रह्म भी दृश्य कोटि में आ गया, विशेष तो ब्रह्म है। दृश्यत्वात् व्यभिचार, विशेषस्यापि दृश्यत्वात् व्यभिचार स्यात्, कि प्रपंच में विशेषण से विशिष्ट ब्रह्म है। क्या आपके मत में क्या है, प्रपंच रूपा मिथ्या वस्तु रूपी प्रपंच है जो इस विशेषण से विशिष्ट ब्रह्म है, इसे उस ब्रह्म इस प्रपंच का निराकरण द्वारा ब्रह्मानुभूति करने बोल रहे हो, तो प्रपंच विशिष्ट ब्रह्म जब कहते हो आप तो प्रपंच यह विशेषण है और विशेष गुण है ब्रह्म है, विशेषत्वादेव वह भी क्या होगा, विशिष्ट ज्ञान का विषय हो गया, विषय होने का मतलब दृश्यत्व आ गया, तो ब्रह्म भी दृश्य हो गया, तो ब्रह्म पुनः मिथ्या हो गया। ये पूर्व पक्ष कहना है विशिष्ट ज्ञान में विशेष का भी भान होना अनिवार्य है और श्रुति के आधार पर स्पष्ट ही है यह आत्मा जो है प्रपंच वाला है ना, उसी आत्मा में जगत उत्पन्न हुआ है, उसी आत्मा में जगत स्थित है और उसी आत्मा में जगत का लय होना है। ये तो वायमानी भूतानि जादने निजातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति विषमिषन्ति मंत्र है, इसे स्पष्ट ही है कि आत्मा जगत विशिष्ट है। जैसे प्रपंच विशिष्ट आत्मा प्रपंच ब्रह्म कहोगे, इस विशिष्ट ज्ञान में विशेष रूप ब्रह्म भी ज्ञान का विषय हो गया, अति दृश्यत्व आ गया तो मिथ्या हो जाता है। तब एक देशी कहते ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि न च विष्णवे शिप विष्टा इत्यादो विशिष्ट से देवतात्वद विशिष्ट से विषयत्व अग्नि सोमयोर मिलितोर देवतात्वद्वा मिलित विषयत्व अतो न विशेष विषयत्व इति न वाच्य। में एक देशी का खंडन कर रहे पूर्व पक्षी, इति चेतक पूर्व पक्ष जाएगा इति अपास्तम का इति चेन न आ रहा है ना उसमें दूसरी पंक्ति में, उसे कहना है कि देखिए भाई ये विशिष्ट ज्ञान में ब्रह्म विशेष होने से आप कहते हो यह सर्वज्ञ सा सर्वित, इसे बोला है ना सबको जानने वाला विशिष्ट तो है ही, वो प्रपंच विशिष्ट प्रपंच ज्ञान विशिष्ट ब्रह्म है तो प्रपंच विशिष्ट ब्रह्म है, यह आपका कहना ठीक नहीं है। मुंडकोपनिषद के आधार पर शंका है, यह सर्वज्ञ सर्वित मुंडकोपनिषद मंत्र दिया ना 1.1.9 उसके आधार पर शंका कर रहे पूर्व पक्षी। तब कहते हैं भाई श्रुत्या अतः शुद्धम न दृश्यम, इस वाक्य के संदर्भ में ही ये बात भी कह सकते हैं, शुद्धम न दृश्यम माने दृश्यत्व भाव विशिष्ट शुद्धम ब्रह्म एक हो गया, उसी वाक्य को लेकर के बोल सकते हैं, है ना। आपने कहा कि उसमें क्या है, दृश्यत्व भाव है, मिथ्यत्व भाव वाला है ब्रह्म, तो दृश्यत्व भावद ब्रह्म मिथ्यात्व भावद ब्रह्म विशिष्ट ज्ञान वाक्य नहीं, इस विशिष्ट ज्ञान ब्रह्म विशेष है विज्ञान का विषय हो जाएगा।
तब कहते हैं ऐसा नहीं होता। एक देशी ने हमारा वेदांत एक देशी जवाब देता है, ऐसे भी देखने को मिला है जहाँ विशिष्ट वस्तु में भी विशेष्य को आप विषयत्व नहीं मानते हैं। विशिष्ट में जैसे दृष्टांत दिया गया विष्णवे शिप विष्टाय, विष्णवे शिप विष्टाय जुहोति तैत्री संहिता 3-4-1-4 का है। कुछ धर्म ऐसे भी होते हैं जो विशिष्ट या समुच्चय में ही रहते हैं, जैसा धर्म देखे गए जो विशिष्ट में ही रहेगा, केवल विशेषण में अलग केवल विशेषी में अलग ऐसा नहीं, विशिष्ट में ही रहेगा। और जो विशिष्ट में है वो हमारे मत में क्या है, मिथ्या है। केवल विशेष में आप ज्ञान विषय तुलाना चाह रहे हैं ना, कहते यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे भी विशिष्ट पदार्थों को देखा गया जब केवल विशेष में विशिष्टत्व नहीं मानी गई है किंतु समुचित में ही माना गया। यथा शिव विष्टत्व गुण विशिष्ट विष्णु भगवान को आप हवन करें, लेकिन शिव विष्टत्व जो से विशिष्ट आपका विष्णु, ऐसे कहने से विष्णु एक पृथक पदार्थ, शिव विष्टत्व अलग पदार्थ नहीं है। मैंने मोर पंख लगाया हुआ वो मैंने विष्णु अलग है क्या, तो नहीं है। इसे वो विशिष्ट में ही क्या रहेगा, विष्णुत्व देवतात्व रहेगा। केवल विष्णु में भी देवतात्व नहीं है, केवल शिव विष्टत्व में भी देवतात्व नहीं है, किंतु शिव विष्ट विशिष्ट जो विष्णु है वो समृद्धित में ही देवतात्व है। इसी प्रकार से अग्नि और सोम, अग्निशोम देवता, अग्निशोम पुष्प माल भेता बोलते हैं, वह अग्निशोम दो देवता नहीं है, अग्नि और सोम दो देवता ऐसा नहीं है। अग्नि देवता अलग है, सोम देवता दुनिया में अलग है, सोम ने जितने में वह आ रहा है सोम देवता, आग्ने अष्टाकाल में अग्नि देवता आ रहा है, लेकिन अग्नि सोम नाम के दो देवताओं का मिश्रण नहीं है, यहाँ एक ही देवता है। ये मीमांसा से निर्णय है, इसे मंत्र में देवता मानते ना। अग्नि और सोम दो होता वहाँ पर अग्निशोम आप भ्याम बोलना चाहिए, है कि नहीं, मंत्र में भ्याम की नहीं है, वहाँ पर एक वचन है, इसका मतलब एक देवता है, दो देवता है ही नहीं, दो देवता है ही नहीं। देखने में दो शब्द दिख रहा है अग्नि और सोम, जो कि अन्यत्र अलग अलग देवता ग्रह में प्रसिद्ध भी है अन्य मंत्रों में। आग्रेम अष्टक निरूपित वहाँ पर क्या है, अग्नि केवल देवता है, सोम रजत में केवल सोम देवता है, अन्यत्र यद्यपि पृथक्त्वेन अलग अलग देवता रूप प्रसिद्ध होने के बावजूद भी जब अग्निशोम शब्द प्रयोग किया वह एक वचन प्रयोग कर दिया है। और पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग होता तो कभी भी समाहार द्वंद्व समास कर दिया, नपुंसकलिंग होने से एक वचन हो गया, ऐसा नहीं कह सकते आप। इसलिए अग्निशोम होता तो दो देवता मानते, अग्निशोमाभ्याम कहते उन दोनों देवताओं के लिए हविष दो तो हम दो देवता मानते, लेकिन ऐसा ना होने से एक ही देवता माने जाते विशिष्ट को। तद्वत यहाँ पर भी हम कहते प्रपंच विशिष्ट ब्रह्म नाम से, ब्रह्म में अलग विषयत्व और प्रपंच में अलग विषयत्व नहीं है, ये मिलाकर के विषयत्व है। ऐसा जो विशिष्ट में विषयत्व रहेगा उसको मिथ्या मानते हैं। इसे विशिष्ट ब्रह्म में मिथ्यात्व हो सकता है, शुद्ध ब्रह्म में मिथ्यात्व नहीं आए, ये दृष्टांत समझाना चाहते हैं। अथवा निरुक्त के अनुसार शिप विष्ट का अर्थ एक अर्थ हो गया, शिप विष्ट मैंने मोर पंखयुक्त, दूसरा अर्थ निरुक्त का अलग कर रहे शिपयो अत्र रसमय तैर आविष्टो भवती थी। निरुक्त मैंने विष्णु ही देवता माना गया है, अलग के शुद्ध विष्णु अलग, मोर पंख विशिष्ट विष्णु अलग, ऐसा नहीं मानते, दो अलग अलग नहीं है, केवल विष्णु और मोर पंख विशिष्ट विष्णु। विशेष में मोर पंख विशिष्ट विष्णु जब कहूँगा विशेष कौन हो जाएगा, विष्णु, वो शुद्ध विष्णु है और मोर पंकत्व वाला अलग है, ऐसा नहीं होता। इस तरह से यहाँ पर भी हम कह रहे हैं प्रपंच विशिष्ट ब्रह्म जब कहूँगा वह ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म नहीं है, सोपाधि की माननी पड़ेगी, और जो सोपाधिक है वह हमारे मत मिथ्या है। इसे शुद्ध ब्रह्म मिथ्यात्व का आरोप विशेषांश मात्र को घटाते हुए आप मिथ्यात्व नहीं दे सकते कि केवल विशेष में धर्म को स्वीकार नहीं करता, ऐसे भी स्थल बहुत जगह है, उसके लिए दृष्टांत दिया है मैंने। देखो अग्निशोमा विदम हविर रजुषे ताम, देखो अग्निशोम जहाँ पर है वहाँ हम दो अलग अलग देवता मानेंगे, अग्निशोम
इदम हविर अजुषेताम इत्यादि वाक्यों में अग्नि और सोम दोनों मिलकर देवता होते हैं। प्रत्येक को देवता भी नहीं माना गया वहां पर भी। ऐसे द्विवचन रहने पर भी इस मंत्र में मीमांसा दर्शनकारों ने, क्योंकि प्रकृति क्या है उस पर निर्भर है ना, प्रकृति में एक देवता करके कहा है, यहाँ द्विवचन होने के बावजूद ही प्रकृति अनुसार विकृति को घटाना पड़ता है, प्रकृतिवध विकृति कर्तव्य। इसे यहाँ द्विवचन होने के बावजूद भी मीमांसा दर्शन निर्णय दिया ये एक ही देवता है, दो देवता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कहते वृत्ति विषयत्व रूपा जो दृश्यत्व है भी केवल विशिष्ट ब्रह्म में का विशेष्यांश ब्रह्म मात्र में भी विषयत्व को आप नहीं घटा सकते। वृत्ति विषयत्व केवल विशेष्यांश शुद्ध ब्रह्म में नहीं है, किंतु प्रपंच विशिष्ट ब्रह्म में ही वृत्ति विषयत्व रहेगा। अर्थात वृत्ति विषय जो विशिष्ट ब्रह्म में आया है उसको हम मिथ्या मानते हैं, अतः शुद्ध ब्रह्म में कोई दोष नहीं है, ये इन्होंने कहा। अतो न विशेष विषयत्वमिति वाच्य। दोबारा पंक्ति लीजिए, विष्णु विष्टा इत्यादि विशिष्ट रूप देवतात्व विशिष्ट में ही देवतात्व माना गया, विशिष्ट से विषयत्व विशिष्ट में ही विशेषत्व विषयत्व है, केवल विशेष में विषयत्व नहीं है। इसी प्रकार से अग्निशोमयोर मिलितयोर है तो दो देखने में दोनों मिलित होकर के देवतात्व एक ही देवतात्व माना गया, मिलित से विषयत्व मिलित ही विषय होता है, केवल विशेष विषय नहीं होता। अतो न विशेष्य विषयत्व से विशेष मात्र में विषयत्व नहीं माना गया है इति। ऐसे एक देशी ने अपनी सफाई दिया वेदांत के दृष्टिकोण से, इति न च वाच्यम। तो पूर्व पक्ष कहता है तद्वदेव विशेषणस्यापि अविषयत्वे, समस्या हो जाएगी फिर। फिर वो कहेगा यदि जैसा केवल विशेष विषय नहीं है तो केवल विशेषण भी विषय नहीं होगा, फिर तो तुम्हारा प्रपंच जो विशेषण है उसमें भी अविषयत्व आ गया, वो भी नित्य सत्य हो जाएगा, द्वैत हो जाएगा। पूर्व पक्ष कैसे कान पकड़ता है, यदि विशेष में विषयत्व नहीं मानोगे, केवल विशिष्ट में विषयत्व है, केवल विशेष में विषय विषयत्व नहीं है, ब्रह्म विशेष होने के नाते तुम कह रहे हो, हम कहते केवल विशेषण में भी विषयत्व नहीं रहेगा। तत्वदेव मान जिस प्रकार से विशेष मात्र में विषयत्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार से विशेषण स्यापि अविषयत्व भागा सिद्धि प्रसंगात, तुम्हारे हित भागा सिद्धि दोष आ जाएगा कि प्रपंच हो गया ना आपका विशेषण, उस भाग में आपके हेतु दृश्यत्व नहीं रहा, फिर ऐसा विशेष ब्रह्म में दृश्यत्व नहीं मिथ्यात्व नहीं है, सर विशेष प्रपंच में भी दृश्यत्व और मिथ्यात्व नहीं है, किंतु प्रपंच विशिष्ट ब्रह्म में ही दृश्यत्व और मिथ्यात्व मानूंगा। उस स्थिति में क्या होगा, यथा विशेषभूत शुद्ध ब्रह्म नित्य और सत्य है, सर विशेषण भूत प्रपंच भी नित्य और सत्य होगा, तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा। यदि चेत मैवाम, ऐसा मत कहो, विशेषता आपन्न से विषयत्व भी क्षत्य भावात, कहते विशेषता को प्राप्त किया हुआ को आप विषय बना ले रहे हो तो भी हमारे मध्य में क्षति नहीं है। यदि उस ब्रह्म में विशेषत्व धर्म आपने मान लिया वह भी हमारे लिए मिथ्या है। सिद्धांत ये मुख्य सिद्धांत जवाब दे रहा है, वो कह रहे हैं ब्रह्म को विशेष मानेंगे तो उसे विशेषत्व धर्म मानोगे ना, जब विशेषत्व धर्म मान लिया तो सदर्भक हो गया, वो तो शुद्धगा रहेगा निर्दर्भ नहीं, सदर्भक है तो मिथ्या है। इसे केवल विशेष में भी हम विशेषत्व मानेंगे तो ब्रह्म में मिथ्यात्व आएगा, और केवल विशेषण में भी विशेषणत्व लेकर के मानोगे वो भी मिथ्या हो जाएगा। इसलिए विशेषणत्व विशिष्ट जो विशेषणात्मक प्रपंच और विशेषत्व विशिष्ट विशेष्यात्मक जो ब्रह्म दोनों ही मिथ्या है, ऐसे कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं सिद्धांत है, क्योंकि आपने इसे सधर्मकत्व मान लिया। विशेषत्व मानने का मतलब क्या, सधर्मक आपने मान लिया, और जो भी सधर्मक है वो हमारे लिए मिथ्या है। युक्ति से कैसे जवाब दिया, तस्य मिथ्यात्व विगबात, क्यों क्षति नहीं है, इसलिए क्षति नहीं है, हम शुद्ध ब्रह्म को ही केवल मिथ्यात्व भाव वाला मानते हैं, विशेषत्व अवच्छिन्न ब्रह्म या विशेषणत्व अवच्छिन्न हो किसी भी धर्म से अवच्छिन्न हो ऐसा उस ब्रह्म को हम भी मिथ्या स्वीकार करते हैं। अतएव उपहित विषयत्वेपि, आगे इसलिए उपहित विषयत्वे अपि उपेय उपधेय विषयत्वम अक्षतम एव इति अपास्तम।
इसलिए जो कहता है उपहित का विषय होने पर उपधेय विषयत्व आ जाएगा, वो अक्षत हो जाएगा, इति तदपि अपास्तव विखंडित हो गया। उपाधि विशिष्ट ब्रह्म यदि वृत्ति का विषय है, क्योंकि मतलब है ना उपहित विषयत्व का मतलब क्या, उपाधि विशिष्ट ब्रह्म को आप वृत्ति का विषय कह रहे हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो विशेष्य भूता जो उपधेय जो शुद्ध ब्रह्म भी विषय हो जाएगा ऐसा जो उसने कहा था वह हमारे मत में नहीं घटित अपास्तव, अशुद्ध ब्रह्म विषय हो ही नहीं रहा। तो उपाधि से विशिष्ट आपने कर दिया उपधेय उपता ब्रह्म में उपधेयत्व मान रहे, उपहितत्व मान रहे वहां तर्श उपहितत्व उपधेयत्व धर्मावच्छिन्न जब हो गया वो शुद्ध कहा रहेगा, इसे वो भी मिथ्या है ऐसे करने में कोई आपत्ति नहीं है। इत्यपि अपास्तम उपहितात्मना तस्यापि मिथ्यात्व अवगमात्, उपहितात्मना तस्यापि मिथ्यात्व अवगमात्, के उपहितत्व से विशिष्ट होकर के ऐसा जो उस ब्रह्म को मान रहे हो उसको भी हम मिथ्या मानते हैं स्वीकार करते हैं। ज्ञानांतर विषयत्वेन विशेषणे भागासिद्ध भावाच्छ, और दूसरी बात विशेषणाश्रय से कहा था इतने केवल विशेषाश्रय या विषयत्व नहीं मानोगे, केवल विशेषणाश्रय विषयत्व नहीं मानूंगा ऐसे मत कहो। यथा केवल विशेषाश में भी आपने क्या कहा विशेषत्वावच्छिन्न, विशेषत्व ज्ञान कहाँ से आई बार, वो विशेष्य कौन बोल रहा है उसे विशेषत्व कौन बता रहा है, उस ज्ञान में कोई शब्द है क्या विशेष नाम से। यथा अन्य ज्ञान के द्वारा उसे विशेषत्व ग्रहण हुआ, इसी प्रकार अन्य ज्ञान के द्वारा से विशेषणत्व आ गया। भिन्न भिन्न ज्ञान का विषयों को दोनों को जोड़ेंगे तो विशिष्ट बनता है ना। आपको ब्रह्म का एक ज्ञान है, इधर प्रपंच का भी ज्ञान है, ज्ञानांतर का विषय है प्रपंच, सर ज्ञानांतर का विषय ब्रह्म भी है। ज्ञानांतर क्या है, ब्रह्म विशेष है ऐसा हमको ज्ञान है, ब्रह्म विशेष है, एतर्ष ज्ञान का विषय हो गया ब्रह्म, मैंने विशेषत्व अवच्छिन्न ब्रह्म हो गया। यथा तथा हम कहते प्रपंच रूपी विशेषण में भी वो ज्ञानांतर का विषय बन रहा है, ज्ञानांतर विषय क्या होगा इदम प्रपंचम विशेषणम, ऐसे ज्ञान है आपको, अति विशेषणत्व अवच्छिन्न आप प्रपंच को पकड़ रहे हो। यथा नीलोत्पलम शब्द में नीलंच उत्पलम च मैं कहूँगा, केवल उत्पल का ज्ञान अलग है, केवल नील का ज्ञान अलग है, नील ज्ञान का विषय में भूता नील में विशेषणत्व, उत्पल ज्ञान का विषय भूता उत्पल में विशेषत्व ग्रहण करते हैं, उन दोनों को लेकर समास करते हैं नीलंच उत्पलम चेति, नीलोत्पलम जैसे एक विशिष्ट शब्द बन जाता है दोनों ज्ञान अन्य अन्य ज्ञान का विषय है। तभी तो कहा आपने इसलिए पदार्थम बुद्धवा वाक्यार्थ रचना, प्रत्येक पद का ज्ञान अलग अलग हो रहा है, तत्त्व ज्ञान का विषय वह वस्तुमान नहीं पड़ेगा और उनमें विशेषण किसको विशेषण कर विशेष कर हो गया। अब जैसे आपने नीलम उत्पलम में नील विशेषण हो गया उत्पल विशेष हो गया, अब उत्पल को विशेषण बना सकता हूं, जैसे आप क्या कमलाक्षी बोलते हैं, कमलाक्षी में क्या उत्पलाक्षी, उत्पल क्या हो गया वहां पर विशेषण हो गया, कैसे हो गया भाई। इसीलिए हमेशा ही चाहे विशेष हो चाहे विशेषण हो वो ज्ञानांतर का विषय मानना पड़ेगा, और जब विशेषण या विशेष भाव है ना उन वस्तुओं ज्ञानांतर विषय मान लोगे वो मिथ्या हो ही जाएगा। अतएव आप कह रहे प्रपंच विशिष्ट ब्रह्म में यथा विशेषत्व विशिष्ट ब्रह्म हमारे लिए मिथ्या है, सर विशेषण विशिष्ट प्रपंच भी मिथ्या है। अतएव तुम्हारे जो कहना कि विशेषणांश में भी अविशेषत्व आ जाएगा और वो भी नित्य सत्य हो जाएगा ये दोष दूर हो गया। इसलिए कहते हैं कि भाई उपहितात्मना तस्यापि मिथ्यात्वगमात् ज्ञानांतर विषयत्व विशेषणे, ज्ञानांतर का विषयत्व होकर के विशेषण भूत उस प्रपंच में भी इसलिए भागासिद्ध दोष तो नहीं दे सकते, उसमें भी हमारा दृश्यत्व तो घट रहा है, मिथ्यात्व भी असिद्ध हो रहा है, इसे भागासिद्धि नहीं है। ननु तब वो कहता ऐसा है ठीक है मान लिया शुद्धम ब्रह्म, ये कहने का तात्पर्य अलग है, शुद्धम न दृश्यम न मिथ्या कहने का तात्पर्य अलग है, ये बात समझ में आ गई कि इन शब्दों से हम न इन शब्दों को विशेषण विशेष भाव से विशिष्टार्थ बोधकत्व नहीं मानते हैं, इन शब्दों को उपाधि और उपहित भाव से उपहित का बोध कराना भी नहीं चाहते हैं, इन शब्दों को उपलक्षण और उपलक्षक मानते हुए उपलक्षित वस्तु का बोध कराना भी हम नहीं चाहते हैं, किंतु इन शब्दों के द्वारा एक अलग ही
अर्थ विशेष में ये सारे शब्द पर्यवसित हो रहे हैं, इनका सब तात्पर्य उसमें घटित हो रहा है, ऐसे यदि आप कहते हो तो मान लेता हूँ ये बात को। लेकिन आपके वेदांत वाक्यों से अखंडाकर वृत्ति आप मानते हो कि नहीं मानते हैं? फिर उस वृत्ति का विषय ब्रह्म हुआ कि नहीं? पूर्व पक्षी कहता है वेदांत जन्य, वेदांत है ना, वेदांत वाक्य जन्य अखंडाकार वृत्ते उपहित विषयत्वे तदानीं उपाध्यंतर भावेन तस्य एव उपधायकत्वात् स्वविषयत्व आपत्ति ही। समस्या ये होगी वेदांत वाक्य जन्य जो अखंडाकार वृत्ति है उससे उपहित विषयत्व आ गया उस ब्रह्म में, उस समय अन्य कोई उपाधि भी तो नहीं है ना, उपाध्यंतर है नहीं क्या? अखंडाकार वृत्ति जो हुई है वाक्यजन्य है, वाक्य भी क्या है टिका नहीं, वाक्य ने तदाकार वृत्ति पैदा करके नष्ट हो गया, वाक्य रूप उपाधि भी नहीं रह गया, वेदांत वाक्य उपाधि भी नहीं रह गया, अन्य भी कोई उपाधि नहीं है, केवल ब्रह्माकार वृत्ति चल रही है, तार्श वृत्ति का विषय ब्रह्म की नहीं वा तस्या ये उपदायकत्वाद, उस वृत्ति का उपदाय कौन है? खुद ब्रह्म, ब्रह्म केवल कोई दूसरा उपाधि से उपहित ही नहीं वो, तो वृत्ति ने क्या किया, तो ब्रह्म को ही प्रकाशन है, खुद को ही प्रकाशन कर रहा है, और वृत्ति को वृत्ति प्रकाशन करे, वृत्ति का विषय वृत्ति हो जाए, ये आपको स्वीकार नहीं है। यदि वृत्ति का वृत्ति वृत्ति को स्वयं वृत्ति प्रकाशन कर लग जाए, फिर बार ये घड़ा जो पट को प्रकाशन पट घट को प्रकाशन करने लग जाएगा, जड़ जड़ को प्रकाशन कर देगा ना, इसे वृत्ति का विषय स्वयं वृत्ति तो आप नहीं मानते, ऐसे ही आपको मानना पड़ेगा एकमात्र ब्रह्म ही उपाधि बना हुआ है वृत्ति का, और वृत्ति ब्रह्म को प्रकाशन कर रहा है, तो विषय हो गया मिथ्यात्व। ये पूर्व पक्षी कहता है कि तसे उपधायकत्वात् वह ही उपाधायक होने, वृत्ति खुद क्या है उपधायक भी है, तो स्वविषयत्व आपत्ति, अखंडाकर वृत्ति स्वयं को विषय कर लिए कहना पड़ेगा। यदि एक देशी कहता है इष्टापत्ति, झट पूर्व पक्षी कहता है न च इष्टापत्ति, इष्टापत्ति तुम नहीं कह सकते हो, क्यों? सिद्धांत है, सभी को स्वीकार्य सिद्धांत है कि शब्द बोध में शब्द बोधे शब्द अनुपस्थिता अभान नियमेन, शब्द बोध में क्या है शब्द से अनुपस्थित का भान नहीं हो सकता, आपने जो शब्द प्रयोग कर रहे हो वो शब्दों पर स्थापित पदार्थों का ही शब्द बोध में वाक्यार्थ बोध में भान होता है, और शब्दों से अनुपस्थित वस्तु वाक्यार्थ में भान नहीं हो सकता, क्योंकि नियम है वाक्य घट की भूत पदजन्य पदार्थ उपस्थिति विषयी भूत पदार्थानाम परस्पर संसर्ग का ज्ञानम शब्द बोधा। मैं ऊपर से लिखा हुआ बोल रहा हूँ टिप्पण कि वाक्य घट की भूत जितने पद है उस पदजन्य जो पदार्थ उपस्थिति हुई उन पदार्थ उपस्थितियों को विषय करता हुआ, उपस्थित पदार्थों को ही विषय करता हुआ वे पदार्थ परस्पर संसर्गावगाही होते हुए शब्द बोध को पैदा करते, तुम्हारा नियम है, सभी का नियम है, बल्कि इसे पदार्थ बुद्ध वाक्यार्थ रचना, पदार्थ यदि पदार्थ जो पद से उपस्थापित पदार्थ से भिन्न पदार्थ वाक्य में घुसने लग जाए वाक्यार्थ में, फिर तो किसी वाक्य को कुछ भी अर्थ कर लोगे आप, मनमाने कुछ भी करो, ऐसा तो कर नहीं सकते आप, इसलिए आपको दिखाना होगा अमुक पद से अमुक पदार्थ उपस्थित हुआ, अमुक पद से अमुक हुआ, ऐसे सब पदार्थ मिल करके ये वाक्यार्थ हो गया, ये आपको बताना पड़ेगा अन्विता पिता। तो ये कहते हैं शब्द बोधे शब्दानुपस्थापित शब्द के द्वारा अनुपस्थापित के अभान नियमेन वृत्ते है शब्द अनुपस्थिताया भान अनुपत्य है, और वृत्ति को किसी शब्द से उपस्थापित नहीं हुआ ना, भाई आपने अहम ब्रह्मास्मि वाक्य पढ़ा, इसमें अहम शब्द है ब्रह्म शब्द है अस्मि पद है, कहीं वृत्ति पद तो है ही नहीं, वृत्ति कहाँ से आ गई, ये समस्या है ना। ये वाक्यार्थ जन्य अखंडाकार वृत्ति हो रही है आप कह रहे कैसे हो सकती है, इस वाक्य से जो वाक्यार्थ बोध होगा वह वाक्यार्थ बोध वृत्ति का कोई स्थान नहीं है, है क्या? किन शब्दों से पदार्थ ज्ञान हुआ, पदार्थ ज्ञान से वाक्यार्थ ज्ञान होना चाहिए ना, वृत्ति कहाँ से आ गई बीच में। से पूर्व पक्ष का कहना है वृत्ति तो वहाँ नहीं है ना, अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य में वृत्ति नाम की चीज तो है ही नहीं, उससे जन हमें ज्ञान हो जाना चाहिए सीधे,
वृत्ति काय को घुस गया बीच में, अखंडाकार वृत्ति। इस वृत्ति से ब्रह्म अनुभूति, ये क्यों? सबसे सीधा वाक्य ज्ञान हो गया, ज्ञान ही ब्रह्म है, आम ब्रह्म से ज्ञान हो जाना चाहिए। इनका कहना इस तरह से, यथा कथंचित उत्पत्त हुआ, ये अन्विता विधान के आधार पर आप किसी प्रकार से वृत्ति को भी घुसाना भी चाहोगे तो भी न तो अज्ञान तत्कार्य और निवृत्ति सियात, इन ऐसे अखंडकार वृत्ति के द्वारा अज्ञान और अज्ञान का कार्य कभी नष्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्या आप ही का कहना है वृत्ति से उपहित जो ब्रह्म है वो मिथ्या है? जो मिथ्या है अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, ये मिथ्या है। ये मिथ्या कैसे आपका अज्ञान को नष्ट कर देगा और उसके कार्य को कैसे नाश कर देगा? ये पूर्व पक्ष कहता है अज्ञान तत् कार्य आवश्यक ज्ञान से व तद उभय निवर्तकत्वाद, क्योंकि अज्ञान और से कार्य तत्कार्य आवश्यक जो ज्ञान होगा वह ज्ञान ही अज्ञान से कार्य को नष्ट करेगा। अज्ञान और से कार्य आवश्यक है जिस ज्ञान का, वह ज्ञान ही क्या करेगा? विरोधी बनेगा ना। अज्ञान और अज्ञान का कार्य विषय के ज्ञान को कौन काटेगा? जिस ज्ञान में अज्ञान और अज्ञान का कार्य ना हो। अज्ञान और तत्कार्य अविषय का ज्ञान ही अज्ञान और तत्कार्य को नष्ट कर सकता है। और यहां पर क्या हो रहा है आपका अखंडाकार वृत्ति में? अज्ञान और उसका कार्य वृत्ति बनी हुई है। तदुपहित ब्रह्म है वहां, तो वो कैसे अज्ञान को और तत्कार्य को नष्ट करेगा? ऐसा ज्ञान बताओ जिसमें अज्ञान और अज्ञान का कार्य का लेश मात्र संबंध न हो। भाई लकड़ी नष्ट हुई इसलिए अग्नि का नाश हुआ ना, कारण का मिटा वो नहीं हो सकता। कार्य आपको देख रहे हैं कि आप एक विशिष्ट कार्य ले रहे हैं और एक विशिष्ट कार्य से बात कर रहे हैं आप। एक विशिष्ट अग्नि ने एक दूसरे विशिष्ट अग्नि को पैदा किया है, अग्नि सामान्य कहाँ लोप हुआ? अग्नि सामान्य तो रहेगा, ईंधन अभाव है तो अग्नि का अभाव दिख रहा है केवल आपको। इधर से जिसने जितने भी संसार का दृष्टांत लोगे वो सब सोपाधिकी होगा, सावयवी होगा, सब कुछ इसी प्रकार के होंगे। इसीलिए अज्ञान तत्कार्य रहित जो ज्ञान है वही अज्ञान तत्कार्य को नाश करते, क्योंकि आपके नियम में भाव और अभाव विरोधी होता है। समसत्ता का समसत्ता भाव के प्रति समसत्ता का भाव विरोधी, आप निर्णय दे चुके हो। विषम सत्ता में कोई विरोध है ही नहीं, विषम सत्ता अगर साथ में रह सकते हैं आपने बोला। इसे ब्रह्म में प्रपंच है कि ब्रह्म पारमिक सत्ता है, प्रपंच प्रातिभाषिक व्यावहारिक सत्ता का है, दोनों एक दूसरे में कोई आपत्ति नहीं आपको। लेकिन बोध वृत्तिया कार्य तो आपके यहाँ हो रही है, वृत्ति भी कार्य तो है अज्ञान का। भाई एक कार्य दूसरे कार्य को छोड़ के मिट रहा है ना, कार्य खत्म कब होगा? क्या आपने शब्द जन्य माना आपने उसको? जन्य है ना तो कार्य। इसलिए कहता है तो वेदांत वाक्य से अखंडाकर वृत्ति से ब्रह्म ज्ञान होगा, मोक्ष हो जाएगा, ये तुम्हारा स्वप्न है, पूर्व पक्ष कहता है। और सिद्धांत क्या जवाब देंगे? देखिए अभी सिद्धांत जवाब नहीं दे रहे ना, अभी बोल रहे अन्यथा और दूसरा दृष्टांत हो दे रहे। देखो अहम अज्ञ अयम घट इत्यादि ज्ञान नमी उपहित विषयकत्व अज्ञान निवर्तकत्व प्रसंग से अहम अज्ञ, ये भी ज्ञान है। यहाँ भी उपहित कौन है? ब्रह्म ही तो है, उपहित ब्रह्म है, उसे अज्ञान तत्कार नष्ट हो जाएगा। राम ब्रह्मास की क्या जरूरत है? मैं अज्ञानी हूँ यह कहते ही अज्ञान नष्ट हो जाएगा। मैं अज्ञानी हूँ ऐसा कहा आपने, ये अज्ञानित्व विशिष्ट ब्रह्म है आप, उपहित हो गए ना। हमेशा सभी ज्ञान में आपने कहा उपहित है, ब्रह्म है, प्रकाश है। तो हम अज्ञानी इत्यादि ज्ञान जब प्रकाशन हुआ, उस प्रकाशन होते वो अज्ञान और उसका कार्य नष्ट हो जाना चाहिए। इस तरह से अयम घटे ज्ञान है इत्यादि ज्ञान नाम अपनी उपहित विषयकत्व ना, ये भी उपहित है। उपहित विषय होने के नाते अज्ञान निवर्तकत्व की प्रसक्ति हो जाएगी। इति चेन्ना तब सिद्धांत के जैसे मत कहो। वृत्ते है शाब्द वृत्तो अनोभासमानाया एव उपधायकत्व विगमात कहते। देखो वृत्ति जो शाब्द वृत्तो, जो वृत्ति है शब्द जन्य जो ज्ञान है, आपने अहम ब्रह्मास्मि वाक्य सुना, उसे सुनने से जो ज्ञान पैदा हुआ आप मान रहे हैं, उत्पन्न हुआ मान रहे हैं, कोई बात नहीं, शब्द भी उपाधि से ज्ञान पैदा हुआ। इन उस ज्ञान में उपाधि अभी बनी रहेगी कि नहीं रहेगी? शब्द बोध में
शब्द बना नहीं रहता है ना, पदार्थ बन नहीं बना रहता है, केवल कौन रह गया फिर वहां, ज्ञान आकार एक वृत्ति मात्र विशिष्ट, ठीक है। लेकिन वो कन का कहना है जब हम उसको उस शब्द आदियों को आप क्या मानेंगे, उपलक्षण मानेंगे, तब वो कार्यान्वय होगा क्या? उपलक्षण का लक्षण क्या है? कार्य अनन्वितत्व सति वर्तमान सति व्यावर्तकत्व, सकल उपाधियों का व्यावर्तन करते हुए ब्रह्म ज्ञान हो रहा है का मतलब क्या है? वह यह शब्द से हमें ब्रह्म उपलक्षित हो गया, ठीक, या शब्दों से ब्रह्म में, ये सारे शब्द ब्रह्म में परिवर्तित हो गया, ये कहने का अभिप्राय क्या है? वह कोई उपाधि नहीं है, तो वृत्तिर्भि उपाधि भी नहीं है, वृत्तिर्भि उपाधि भी उस शब्द बोध में नहीं है, केवल ब्रह्म है, वह शुद्ध ब्रह्म। अरे कैसे रह गया, वही समझा रहे, क्योंकि नियम यह है कि वृत्ते है शाब्द वृत्तौ अनुभासमान, वृत्ति जो है वह शाब्द वृत्ति में उपभाषित नहीं हो सकती, मैंने वृत्ति में का विषय वृत्ति नहीं होता, जो शाब्द वृत्ति पैदा हुआ वह वृत्ति स्वयं को विषय नहीं कर सकता, वृत्ति का विषय वृत्ति नहीं होता कहने का अभिप्राय है, चाहे शाब्द वृत्ति हो चाहे प्रत्यक्ष वृत्ति हो चाहे कोई भी वृत्ति हो, वो स्वयं को स्वयं प्रकाशन नहीं कर सकता है, वह तो साक्षी वेद्य होता है, साक्षी प्रकाशी होता है। अतएव इस अंतिम जो ब्रह्माकार अखंडाकार वृत्ति हुआ वहां पर भी क्या है, वृत्ति स्वयं का विषय नहीं हो रही है, फिर कौन है वहां, केवल ब्रह्म है, और उस ब्रह्म का बोध में यह वृत्ति कार्यान्वित नहीं होती, तभी इस अखंडाकार वृत्ति को ब्रह्म का अनुभावक मानते हैं, अनुभव कराने वाला मानते हैं, क्योंकि यह कार्य तो उत्पन्न करा रहा है लेकिन कार्य में अन्वित नहीं होता, विद्यमान भी है, अन्य उपायों का व्यावर्तन भी कर रहा है और कार्य को सिद्ध कर दिया बिना कार्यान्वित हुए, इसी का नाम उपलक्षण है, इसी का नाम उपाधि है, कार्य अनन्वितत्व सति वर्तमानित्व सति सर्वयत्र व्यावर्तकत्वम उपलक्षण होता, तो वृत्ति को भी हम क्या कहेंगे, ब्रह्म का उपलक्षण मात्र होने से वृत्ति अन्वय नहीं होगा जब ब्रह्मानुभूति होती है, इसे आप जो करें वृत्ति उपहित ब्रह्म रह जाएगा, वृत्ति रह जाएगी वहां पे, आते हुए मिथ्या हो गए विशिष्ट हो जाने से ये बात नहीं हो सकती, क्यों, वह वृत्ति समाप्त हो जाती है, वृत्ति रहती है, विषय भी नहीं रह गया, सर्वोपाधि खत्म हो गया ना, जब सर्वोपाधि खत्म हो तो विषय भी खत्म, सभी का व्यावर्तन करने का काम ही तो उस अखंडाकार वृत्ति ने किया, अखंडाकार वृत्ति को आपने उपलक्षण माना का मतलब क्या, वह सभी उपाधियों को हटा दिया, मैंने विषयत्व किया, विशिष्टत्व किया, विशेषत्व किया, सारा चीज खत्म हो गई, अब कोई धर्म नहीं रह गया, तब पूर्व पक्ष ने कहा वृत्ति तो रह गया, वृत्ति विशिष्ट हो गया, अखंडाकार वृत्ति विशिष्ट ब्रह्म हो गया, तो कहते नहीं वृत्ति अविशिष्ट नहीं हो सकती, वृत्ति वहां नहीं रहेगी, यदि वृत्ति रह गई तो कार्यान्वय हो गया, कार्यान्वित कौन होता है, विशेषण होता है, विशेषण ही कार्यान्वित होता है, उपलक्षण नहीं होता, जब हम इस अखंडाकार वृत्ति को उपलक्षण कह रहे हैं तो वहां कहां रह गया ब्रह्म में, वृत्ति विशिष्ट कहां से हो गया ब्रह्म, अभी वृत्ति रहित ही ब्रह्म है, कार्य अन्वय होना वृत्ति विशिष्टता, कार्य अन्वय नहीं होने का मतलब क्या, हम ब्रह्म अनुभव कर रहे हैं और वृत्ति का कोई संबंध नहीं रह गया, जैसे कौवे का संबंध के बिना हम मकान का अनुभव कर लेते हैं, कौवा है नहीं, बोध करा के चला गया, इसे अखंडाकार वृत्ति क्या करता है, हमें ब्रह्म अनुभव करा करके निवृत्त हो जाता है, अब वृत्ति का लेश मात्र संबंध नहीं रह गया, अति विशिष्टता नहीं होने से वह शुद्ध रह गया, जो विशिष्ट है वही दृश्य है वही मिथ्या है, या विशिष्टता किसी प्रकार से नहीं रह गई तो अति शुद्ध ब्रह्म का अनुभूति हो जाती है, ये सिद्धांत का जवाब है। इस विषय में देखो प्रमाण देंगे आगे, उपदायकत्व इसे क्या, वहां पर शाब्द वृत्तौ वृत्ते है अनुभासमानायाः एव उपधायकत्व अभिगमात् तदुक्तम कल्पतरुकृद्भिः, इस बार कल्पतरुकार ब्रह्मसूत्र की टीका का टीका में स्पष्ट रूपेण कहा है।